ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, प्रक्षेपण के क्षेत्र में वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। पिछले वर्षों में भारत की अंतरिक्ष आधारित सेवाएं अधिक बढ़ी हैं। बढ़ती उपयोगकर्ता मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुनिया भर में कई नए एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं। भारत की गतिविधियां विशाल व्यावसायिक क्षमता के साथ विकास पथ पर हैं। हाल ही में इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया वन वेब 18 मिशन भारत के प्रमुख अंतरिक्ष संगठन द्वारा सबसे बड़े कॉमर्शियल ऑर्डर में से एक है और इसमें LVM3 रॉकेट का उपयोग किया गया था। आज हमारे साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट, जो कि महानिदेशक हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन में। कार्यक्रम में आपका स्वागत है भट्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे समझना चाहेंगे कि हाल ही में जो LV3 रॉकेट का लॉन्च हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं और क्या हम कह सकते हैं कि इस मिशन से विश्व स्तर पर कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भारत की भूमिका बढ़ी है? बिल्कुल, निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री के ये डिसीजन के बाद, जो ऐतिहासिक डिसीजन उन्होंने जून 2020 में लिया था कि इस सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जाए, इसका ये प्रतिरूप है। जबकि कल और अक्टूबर में 36 और 36 वन वेब की सैटेलाइट GSLV द्वारा लॉन्च की गई। ये पूरा खबर के हिसाब से करीब 1000 करोड़ का जो बिजनेस है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जब ये नए रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद में जो किया गया था, उसके बाद में ये NSIL बनी है और इनके द्वारा वन वेब ने ये 72 सैटेलाइट को लॉन्च करवाया। जनरल, अगर हम इस मिशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भारत की वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डाल रहा है कि कैसे भारत एक बेहतर सर्विस प्रोवाइडर बन रहा है स्पेस सेक्टर में। क्या हम कह सकते हैं कि इससे भारत विश्व भर में एक नए अल्टरनेटिव के तौर पर उतर रहा है जब स्पेस सेक्टर में लॉन्च की बात की जाए या सर्विस प्रोवाइडर की? निश्चय ही हमारी इसरो की क्षमताएं जो हैं वो पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, क्योंकि ये PSLV और GSLV का एक तो इनकी रिजल्ट्स सक्सेस लेवल बहुत ऊंचे रहे और साथ ही ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है जो और देशों के वनस्पत सही कॉस्ट पर सैटेलाइट्स को ऊपर लॉन्च करता है। और साथ ही स्पेस को प्राइवेट सेक्टर में खुल जाने के बाद में हमारे नए स्टार्टअप्स भी इस लॉन्च व्हीकल के सेगमेंट में जरूर आएंगे। SSLV जो अभी कुछ एक महीने पहले सक्सेसफुल हुई है, ये भी हमारी कमर्शियल कैपेबिलिटी को स्पेस में छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बहुत आगे एक अच्छा और मौका हमको मिला है। जनरल, यहाँ पे श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसी हमारे पास जानकारी आ रही है, ये जो लॉन्च था वो GSLV Mach-3 रॉकेट से हुआ था। अगर आप हमें इनकी स्पेसिफिकेशंस बता पाए और कैसे एक GSLV, जो कि माना जाता है कि भारी पेलोड लॉन्च करने के लिए होता है, वो एक PSLV से अलग है। ये जो GSLV है और खासकर LMV3, इसकी पहली फ्लाइट क्रायोजेनिक इंजन के साथ हुई जनवरी 2014 में। तो पहले जो था वो PSLV था और अभी भी हम PSLV से लॉन्च करते हैं। PSLV की क्षमता तो जिसे उसे कहते हैं इसरो का वो वर्क हॉर्स रहा, जिसने कि पोलर ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में 750 केजी के पेलोड को 600 किलोमीटर तक पहुंचाने में बहुत सालों तक काम किया है। साथ ही मार्स और चंद्रयान का मिशन भी PSLV के द्वारा हुआ। और जो ये GSLV है, ये इसका एक और एडवांस्ड और बड़ा वर्जन है। ये 3 स्टेज की सैटेलाइट है। साइज में जैसे कि PSLV 44 मीटर की है तो ये 51.73 मीटर की है, मतलब कैपेसिटी टोटल जो लिफ्ट है मास का वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। और पेलोड की कैपेसिटी भी, जैसे कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए 2250 और लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 6000 के, यानी कि जो पहले 1425 था वो अब 6000 केजी ये GSLV उठा पाती है। और तभी वन वेब की 36 सैटेलाइट्स को एक साथ इस GSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है।
जी जनरल, यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम अंतरिक्ष की बात करें जो कि एक लागत प्रतिस्पर्धी उद्योग है, ऐसे में भारत वहाँ बेंचमार्क स्थापित करने के लिए कैसे अपनी मजबूत स्थितियां, जैसे एक बड़ा प्रतिभा पूल जो हमारे पास है, कम श्रम लागत हम जनरेट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सेवाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इन सब चीजों को अपने में समाहित करके भारत कैसे एक बेहतर बेंचमार्क स्थापित कर सकता है अंतरिक्ष उद्योग में? इसरो के पिछले 60 साल के काम से हम दुनिया के लिमिटेड स्पेस फेयरिंग नेशंस में से एक है। और उसका फायदा क्या हुआ है कि इसरो ने काम करते हुए R&D तो जरूर की है, पर उन्होंने इंडियन वेंडर्स को भी अलग अलग कंपोनेंट्स इससे पुर्जे पार्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और वो हिंदुस्तान में। तो आज हमारे प्राइवेट सेक्टर की ये क्षमता है कि वो कुछ समय बाद इंडिपेंडेंटली ये काम कर पाएंगे और इसको कमर्शियली कॉम्पिटिटिव रेट में दुनिया में दे पाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि स्काई रूट, जिसने कि नवम्बर के महीने में प्राइवेट सेक्टर ने पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया, उसके सप्लायर 40 के 40 सप्लायर हिंदुस्तान के ही थे, जो कि पहले इसरो को सप्लाई करते थे और आज अलग अलग कंपोनेंट्स नई स्टार्टअप को दे रहे थे। जनरल, आपने स्टार्टअप की बात की, इसी में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भारत में कई गैर सरकारी निजी संस्थाओं ने वाणिज्यिक लाभ के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया है। स्काई रूट एरोस्पेस का आपने नाम लिया, तो ऐसे में कई स्टार्टअप और उद्योगों ने जो प्रक्षेपण यान या उपग्रह भी बनाए हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी? निश्चय ही, जिसको कि नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज बोलते हैं, उसका मतलब है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स। आज के दिन में हमारे स्टार्टअप्स के अंदर वो क्षमता है, वो इच्छा शक्ति है और गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि वो दुनिया में ग्लोबल लेवल पर स्पेस के क्षेत्र में प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और वो इंटरनेशनली बेच सकते हैं। हमारी एक स्टार्टअप है जो कि हाइपर सेक्टरल डोमेन में 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जो कि उनको कुछ ही दिन पहले अमेरिका की डिफेंस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसी तरीके से हमारी दो स्टार्टअप्स हैं, जो कि एक स्काई रूट और एक अग्निकुल, जो कि स्मॉल सेगमेंट पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बना रही है। इसरो ने भी SSLV को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि आज के दिन में लोग इंतजार नहीं करना चाहते कि बड़ी सैटेलाइट में एक साथ अलग अलग लोगों की सैटेलाइट आए, तो SSLV को भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा और ये इसका कमर्शियल यूज हमको ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बना देगा। ऐसे में उपयोग बढ़ाने और अंतरिक्ष संपत्तियों से लाभ को अधिकतम करने के लिए भारत ने आपूर्ति आधारित मॉडल से मांग आधारित मॉडल के दृष्टिकोण को बदलने का प्रस्ताव दिया है, जिसपे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड काम करता है। इस परिवर्तन का क्या महत्व है, अगर आप हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बता सकें? पहले जब सैटेलाइट बनाई जाती थी, इसरो सैटेलाइट बनाता था, तो वो एक टेंटेटिव डिमांड अलग अलग मिनिस्ट्रियों से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ ओशनोग्राफी से डाटा लेके वो बना देते थे और एंटिसिपेटेड कि भाई क्या जरूरत होगी, उतनी जरूरत कैपेसिटी से माना कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट में देते थे और उसके बाद में उसकी डिमांड ली जाती थी। पर अब क्या है, अब पहले से ही उपभोक्ता यूजर डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है GSAT-24 जो इसी साल लॉन्च हुई थी, 418 kg की सैटेलाइट, जिसका पूरी कैपेसिटी बनने से पहले ही टाटा ने खरीद ली थी और वो इससे इन ट्रांसपोंडर की कैपेसिटी से पूरे हिंदुस्तान में DTH डायरेक्ट टू होम की फैसिलिटी दे रहे हैं। स्पेस सेक्टर में भारत का जो लगातार आत्मनिर्भर होने का प्रयास चल रहा है, वो कैसे विभिन्न जो जोखिम रहते हैं, चाहे एकल व्यक्तिता की समस्या हो, उसको हल कर सकता है? ये एक सेक्टर है जिसमें आत्मनिर्भरता थोड़ा पहले आ गई और इसका कारण था कि जब हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे तो हमारे ऊपर हमारी टेक्नोलॉजी, डुअल यूज टेक्नोलॉजी पे बहुत रेस्ट्रिक्शन हुई थी और इस कारण से हमारे साइंटिस्ट को खुद रिसर्च कर जैसे क्रायोजेनिक इंजन और इंजन स्पेस की बहुत सी लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट की चीजें हिंदुस्तान में ही बनानी पड़ी। हमारे जो स्टार्टअप हैं या स्पेस सेक्टर में बढ़ती आत्मनिर्भरता हो, दोनों ही भविष्य में भारत के स्पेस प्रोग्राम को और मजबूती देगी। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।
अभी आप सुन रहे थे प्रक्षेपण के क्षेत्र में वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।